पहले फर्क था, ऐवे ही पॉइंट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बारिश हो गई, ये पॉइंट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे भी कोई फाइनल में जाने की इज्जत है? हमें अफसोस भी है कि जो है ना पाकिस्तान जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच सका। विराट कोहली यार टाइमिंग से खेलता है, आज उसे पता 200 करना है वो 200 खेलता है, लेकिन हारने से वो इतनी टेंशन, लाइक मैं आज भी उम्मीद लगा के बैठा था शायद हम 287 स्कोर से उनको हरा देते। अफसोस हो रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते, वो सही पाकिस्तान ने गाना निकाला, हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मैं टाइम पे किसको ओवर गिनवाना उसको पता ही नहीं है, किसको किस नंबर पे भेजना उसको पता ही नहीं है। ऐसा आता है मसला क्यों आता है कि जो हमेशा ही रन रेट में दूसरी टीमें, देखो इंडिया है कोई मैच नहीं आ रही, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि शुरू से ही कुछ ऐसा खेले कि ना दुआओं की जरूरत पड़े और ना ही हमें कोई अगर मगर वाला ये सीन हो गए वो जीते वो हारे वो बात। बाबर आजम के पीछे लगता बड़ी सिफारिश है कोई, बैटिंग अच्छा कर रहा है फिर बॉलिंग अच्छा नहीं होता है, जब बॉलिंग अच्छा कर रहा है फिर बैटिंग अच्छा नहीं होता। कैसे कमाए जाते हैं 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ, बीवियाँ साथ, बच्चे साथ, यार तमाशा बना दिया गाँव का। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। एज यू नो के पाकिस्तान इतनी देर के बाद, यानी कि इतना अगर मगर करने के बाद, कुदरती निज़ाम के बाद आज ICC वर्ल्ड कप से ऑफिशियली आउट हो चुका है, वर्ल्ड कप की इस रेस से निकल चुका है। पाकिस्तानी अवाम ऑब्वियसली बहुत दुखी है, लेकिन चलते हैं और जानते हैं कि क्या तासुरात है। अच्छा, जैसे कि आपको पता चला है कि पाकिस्तान आज ऑफिशियली इस रेस से बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप की। 338 का टारगेट दिया है जो कि 7-8 ओवर में कर लेना था, लेकिन अब तो बिल्कुल नामुमकिन है, तो क्या कहना चाहोगे? पहले तो हमें बहुत उम्मीद थे पाकिस्तान की टीम से, लेकिन नहीं हुआ कि अगर पहले मैच में थोड़ा वो मतलब पहले मैच जीत जाती है उसमें अपनी पोटेंशियल वगैरह दे देते, फिर अब इस हालात तक ना पहुँचते। और जमाने वो पिछले मैच में बहुत अच्छे इनिंग्स खेले, उस पर बहुत खुश है, लेकिन अब चूंकि आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। अच्छा, आज जो इंग्लैंड से मैच चल रहा है, अगर हम जीत भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, हार भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि जीत जाए, चेस कर ले हमारी टीम? हाँ, पहले मतलब अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर देना थोड़ा ज्यादा 400 का स्कोर दे देते दे, और फिर इंग्लैंड को मतलब 100 इस तरह के रन पे आउट कर लेते तो वो बहुत। अब क्या लगता है कि अब हम जीत जाए तो कोई फायदा है? अब जीत जाए कोई फायदा नहीं बस, लेकिन इज्जत तो चलो बच जाएगी ना। हाँ ठीक है, जीत जाए तो फिर बेहतर है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम को कोई मैसेज देना चाहते हो? वापस आ रही है पाकिस्तान को बस वेलकम करना चाहेंगे, क्या चाहिए बस अपने मुल्क में, बाकी कुछ कोई दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, बहुत दुख है। पहली फर्क था ऐवे ही पॉइंट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बारिश हो गई, ये पॉइंट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे भी कोई फाइनल में जाने की इज्जत है क्या? हमने क्या, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड कप ही जीते तो मुझे खुशी नहीं हो, क्या इन्होंने जीते फजूल, कोई बात नहीं है, इनको तो मिलाओ कि ग्राउंडों में जो बेचारे वो ग्राउंड बनाते नहीं हैं, और जो माली हैं जो ग्राउंड स्टेडियम को सही कहते हैं उनमें लगा दो, जाओ करके इनको पता लगे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, 8-8 करोड़ की गाड़ियाँ, बीवियाँ साथ, बच्चे साथ, यार तमाशा बना दिया गाँव का। इंटरनेशनल तौर पे हमें छोड़े नहीं, इसका इंडिया से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, हम लड़का खेला है परसों जबरदस्त खेला है, उसको बना दो कप्तान बाब, उसको बना दो रिजवान को बना दो, शाहीन अफरीदी है बेहतरीन बच्चा है, उसको बना दो। बाबर आजम के पीछे लगता बड़ी सिफारिश है कोई, हो सकता है सिफारिश हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा वो बच्चा क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही, इतनी कौम की उम्मीदें हैं, मेरे बेटे का भी बड़ा वो संदीदा, मैं उसको पूछता बेटा क्या है, बाबर आजम होना हुआ उसको बेचारे को लगता है ये बात ही खा गई कि वो कोई उसकी आउटपुट नहीं, कैप्टन बनना कप्तान होना बड़ी बात होती है कि उसको लेना है, शाहिद अफरीदी कप्तान था, इमरान खान कप्तान था, एनर्जी थी उनके यार, तो क्या एनर्जी है, जिला पड़ा हुआ है, अब आज ओवर करवाना है कौन से टाइम पे, किसको ओवर गिनवाना उसको पता ही नहीं है, किसको किस नंबर पे भेजना उसको पता ही नहीं है, माशा बना दिया है। क्रिकेट में भी हम फारे, इंटरनेशनल में हर चीज में फारे, आज क्रिकेट में भी फारे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है, लेकिन अगर हम जीत भी जाए इंग्लैंड से तो कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई बात मतलब नहीं लगता, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा।
तो पाकिस्तान की टीम जब वापस आएगी तो कैसे आप उनके इस्तकबाल करेंगे, क्या मैसेज? मैं तो नहीं, बच्चे हैं अपने, वो तो बच्चों की, लेकिन देखो आज हम ये तनकीद नहीं करते इनसे तो क्या करेंगे, हमारा मेरी कोई बाबर से ज्यादा दुश्मनी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मगर मैं कहता हूँ बाबर भाई आप गाड़ियाँ ले लें 8-8 करोड़ की, कोई बात नहीं, ऑडी ले जो मर्जी लें, लैम्बोर्गिनी ले, लेकिन यार हमें कौम को जो आज किस काम पे आपको लगाया वो तो करें, जो मर्जी करें, 4-5 किनाल के घर बनाए, गोल्फ खेलें, अंडों पे बैठे हमें क्या, लेकिन यार जो जिस काम के लिए आपको रखा गया है उस काम को तो करो, उस काम पे तो अपना एफर्ट लगा दो। आपने देखा नहीं वो जो क्या कहते कोहली है, वो जो विराट कोहली यार टाइमिंग से खेलता है, आज उसे पता 200 करना है वो 200 खेलता है, आज उसे पता 350 करना है वो 350 वाली एनर्जी लेके आता है। ऐसा ही है तो जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या सीखना चाहिए कोहली से? इनको सबक सीखना चाहिए, मैं कहता हूँ अब सीखने का वक्त चला गया, अब रमजान को बना दो और यहाँ शाहीन अफरीदी को बना दो, फिर कुछ अभी इसको सुकून करने दो, क्योंकि पैसा जो है ना दिमाग को चढ़ गया, मुझे पता है पैसा कैसे बंदे को हाईजैक कर लेता है, ये हाईजैक को क्या बचा रहा है। अच्छा आज पाकिस्तान ऑफिशियली वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है, 338 का टारगेट मिला है जो कि ना बहुत मुश्किल है अब चेस करना, नामुमकिन है, तो पाकिस्तान तो आउट हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अफसोस भी है कि जो है ना पाकिस्तान जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच सका, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है आइंदा इसको कामयाब करे। तो जब बैटिंग है अभी चल रही है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो अब बैटिंग का मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है, वैसे अगर हम जीते भी तभी भी वर्ल्ड कप से बाहर है, हार जाए तभी भी वर्ल्ड कप से बाहर है, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जीत जाए और थोड़ी सी इज्जत से घर आ जाए या हार जाए? नहीं आज जीतना चाहिए, जीतना चाहिए थोड़ी सी इज्जत से तो घर आए। अच्छा पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मैसेज है? मैसेज यही है कि ये जो है अल्लाह से माफी मांगे जो किया गलत किया। आपके पास है पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तानी टीम को देने के लिए कोई मैसेज? पाकिस्तान को टीम को देने के लिए मैसेज क्या हो सकता है, अब अफसोस ही हो रहा है, आप मैच देख रहे हैं आप, अफसोस हो रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते, वो सही पाकिस्तान ने गाना निकाला हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मैं यही कहना चाहूंगा बस कि हमें फिर भी प्यार है क्योंकि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी टीम को हम क्या कहें, हम यही है कि थोड़ा सा कि इनको शुरू से ही जो है ना कोई रन रेट का मसला बने ही ना, ये हमेशा ही दुआओं की वजह, 1992 का भी वर्ल्ड कप जीता है ना जो पाकिस्तान, वो भी इसी वजह से जीता है, दुआओं के साथ, रमजान था और कुछ लोगों ने दुआएं की हुई थी, कुछ वो बारिश का रन रेट 1 पॉइंट को मिला था वेस्ट इंडीज को, इस दफा भी बारिश जो कहते हैं कि कुदरत का निजाम इस दफा भी हमारे साथ था, वो कुछ बारिश हो जाती श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले जो मैच था तो फिर पाकिस्तान का चांस था मैच जीतता, तो कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ क्यों ऐसा आता है मसला, क्यों आता है कि जो हमेशा ही रन रेट में दूसरी टीमें, देखो इंडिया है कोई मैच नहीं आ रही उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और न्यूजीलैंड है साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि शुरू से ही कुछ ऐसा खेले कि ना दुआओं की जरूरत पड़े और ना ही हमें कोई अगर मगर वाला ये सीन हो गए वो जीते वो हारे वो बात हो जाए। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप पर निकलने से, वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कितना अफसोस है आपको? अफसोस है बहुत ज्यादा, 4 साल बाद ये इवेंट आता है तो कब से हम हर उम्मीदें लगाई होती हैं हमने, तो कभी सेमीफाइनल में जाता है कभी फाइनल में जाता है हार जाता है, फिनिशिंग नहीं कर रहा पाकिस्तान ना, फिनिशिंग नहीं कर रहा, लेकिन क्वालिटी सब है इनके पास, लेकिन जब इवेंट बड़ा इवेंट आता है ना तब इनकी जरूरत पड़ती है, सीरीज तो ये जीतता रहता है पाकिस्तान, लेकिन जब वो इवेंट में पता चलता है प्लेयरों की और बैट्समैनों की, बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी था, इनको खुद को दिखाने के लिए इवेंट होते हैं, ये सुपरस्टार बनने के लिए इनके पास मौका भी होता है, तो आप देखो इमरान खान है, इमरान खान का नाम नहीं जिंदगी भर नहीं भूल सकते क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए आपके पास, शहनशाह अफरीदी टॉप रैंकिंग में नंबर 1 रहा है, बाबर आजम 3 साल से रहा है नंबर 1 रहा है, तो क्या फायदा है ऐसे नंबर 1 का, कब क्या फायदा है नंबर 1 रहने का, अब तो हट गया है ना, अब तो वो गिल्ला आ गया हुआ है, लेकिन 3 साल तक तो वो तो रहा ना, लेकिन ये हमारे टॉप 10 रैंकिंग में प्लेयर थे हमारे, लेकिन क्या फायदा है ऐसे टॉप 10 रैंकिंग में प्लेयर आने का कि आप इवेंट से भी बाहर हो रहे हैं, पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं, अफसोस ही है और कुछ नहीं कह सकते। पूरी आवाम जो है वो बिल्कुल ऐसे डेड बैठी हुई है, इतना दुख हो रहा है आवाम को, आप क्या कह रहे हैं? आवाम का तो नहीं पता, अपनी बात करूंगा कि वर्ल्ड कप
अगर पाकिस्तान जीतता है तो कोई भी टेंशन होती है ना तो वो दूर हो जाती है, लेकिन हारने से वो इतनी टेंशन, लाइक मैं आज भी उम्मीद लगा के बैठा था शायद हम 287 स्कोर से उनको हरा देते, लेकिन 338 का उन्होंने टारगेट दिया है जो कि 7-8 ओवर्स में करना था, लेकिन नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं इसमें कहूंगा कि टीम ने पास में भी गलतियां की, हाँ कुछ, लेकिन डिसीजन भी वजह से साउथ अफ्रीका के मैच में वो लास्ट LBW आउट नहीं दिया गया एम्पायर कॉल की वजह से, और हम बांग्लादेश का मैच पहले फिनिश कर सकते थे लाइक 25 ओवर्स में या 25 to 28 ओवर्स में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ जिससे रन रेट का काफी नुकसान हुआ हमें। तो अब 7 ओवरों में तो अब छत पे तो खेल ही रहे कि 7 ओवरों में 338 चेस कर लें। अच्छा, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा होता तो कितना फायदा होना था? फायदा तो था, क्योंकि अगर फखर जमान 20-30 ओवर खेल लेता तो मे भी 250-300 स्कोर मुश्किल लग रहा था, लेकिन जो उसकी लास्ट मैच की बैटिंग थी 25 ओवर में पाकिस्तान ने 200 कर लिया था, तो शायद इसमें भी 200-250 के करीब शायद 30 ओवर में आ रहा था, तो लास्ट के 20 ओवर भी शायद नीचे वाले इफ्तिखार अहमद या शिदाब खान या कोई भी जो पिंच हिटर था वो यूटिलाइज कर लेता। अच्छा, अभी बैटिंग चल रही है पाकिस्तान की, तो अगर हम जीत भी जाएं कोई ऐसा फायदा नहीं है, हार भी जाएं कोई फायदा नहीं है, सेमीफाइनल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो, आज जीत जाएं हम? ऑब्वियसली जीतना तो चाहिए, एक अच्छे नोट पे एंड करना चाहिए इसको, लास्ट वर्ल्ड कप में भी 2019 में भी इसी तरह था, आई थिंक 315 या 316 स्कोर से बांग्लादेश को हराना था जो पॉसिबल नहीं था। तो पाकिस्तान का इन माई जो मुझे याद है कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट जो डिफीट है और जो रन की दी है मार्जिन में वो 255 का हुआ है, तो उससे ज्यादा कभी दिया नहीं, तो 287 और लास्ट वर्ल्ड कप में 316 करना, और बिल्कुल सेम सिनेरियो लाइक जो लास्ट वर्ल्ड कप में था, और इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से ही रन रेट का इशू था, इस बार भी था, तो रन लकी रहे हैं, लेकिन होप फॉर बेस्ट अगले साल। अच्छा, पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मैसेज है, कुछ कहना चाहते हो? एक ही बात बोलूंगा, आई एम विद यू गाइस, और इंशाल्लाह अभी भी आवाम आपको सपोर्ट करेगी। बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, शहीन शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गए, इफ्तिखार अहमद, ठीक है कुछ मैनेजमेंट की तरफ से भी गलतियां थी, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो फैमिली अच्छी हो या बुरी उनको सपोर्ट तो करना चाहिए हमेशा। ये तो मसला, ये पहला बैटिंग पाकिस्तान का आ रहा था, इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा था 400-450 रन बना रहा था, फिर शायद फाइनल पे आ जाता था, अभी तो किस्मत के बाद है, उसमें पहला बैटिंग इंग्लैंड का गया, लेकिन आज अगर हमारी बैटिंग होती तो बन जाते कुछ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा था बन जाता था, लेकिन अब क्या कहना चाहोगे? के साथ 402 रन बनाए, फिर भी उसने मैच जीत लिया, बारिश आ गया, फिर भी मैच जीत लिया उसने, आज भी शायद जीत लेता था, अगर मगर पे कि अगर बारिश आएगी तभी जीतेंगे, ऐसे होगा तो वैसे होगा, कभी अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर लेते? एक तो बात ये बैटिंग सही कर रहा था और बॉलिंग सही कर रहा था, फिर लाजम हो जाता है, कभी बैटिंग सही नहीं कर रहा है, कभी भी बॉलिंग सही नहीं कर रहा है, फिर ये मसला हो जाता है, बैटिंग अच्छा कर रहा है फिर बॉलिंग अच्छा नहीं होता है, जब बॉलिंग अच्छा कर रहा है फिर बैटिंग अच्छा नहीं होता है, ये मसला होता है। क्यों है, पूछे आप उनसे, टीम से हमारी कोई टीम को कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम को? मैं तो ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान को, ये बोल रहा हूँ जब मैच बैटिंग अच्छा करना चाहिए और बॉलिंग दोनों अच्छा करना चाहिए। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ICC वर्ल्ड कप से ऑफिशियली निकल चुका है, आउट हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम बहुत दुखी है और चाह रही थी किसी ना किसी तरह से पहुंच जाए सेमीफाइनल में तो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब हर दफ़ा जैसे हम चाहेंगे वैसा तो नहीं होगा, परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो आप मुझे बताएं कि फाइनल में आप कौन सी टीम को देख रहे हैं कि ये टीम तो जा रही है फाइनल में? तब तक के लिए देखते रहे पब्लिक रिएक्शन शो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अल्लाह हाफिज़।